हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम हमेशा की तरह एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग आपको बताएंगे, लिख लिख कर बताते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। लिख लिख कर हिंदी मीनिंग बताएंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि इसको पढ़ते क्या हैं, यह भी हम लिख लिख कर बताते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। इंग्लिश रीडिंग कैसे की जाती है आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक चिड़ियाघर है और दो बच्चे हैं उसमें, चिड़ियाघर में घूमने आए हैं। तो यही हमारे टॉपिक का नाम भी है, आज का हमारा 13वां टॉपिक है और नाम है अ विजिट टू ए जू। क्या पढ़ेंगे इसको? अ विजिट टू अ जू। अ विजिट मतलब होता है एक दौरा, टू ए जू मतलब कि चिड़ियाघर का, चिड़ियाघर का एक दौरा क्या है, चिड़िया घर का एक दौरा आज का हमारा टॉपिक होगा। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि चिड़ियाघर अगर आप घूमने गए हैं तो क्या क्या इंग्लिश वहाँ पर आपको यूज़ करनी होती है। और यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं और यहाँ पर इंग्लिश में वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम घूम कर जो चीज़ देख रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, एक एक वर्ड सीखेंगे और बहुत सारे नए नए शब्द को भी हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आदित्य लिखा हुआ है क्या? आदित्य, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है यहाँ पर। आदित्य किसी लड़के का, एक लड़के का नाम है। क्या कहता है? गुड मॉर्निंग उदय, गुड मॉर्निंग, इसको पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग उदय। क्या कहता है? उदय भी एक लड़के का नाम है, तो आदित्य जो है उदय से कहता है सुप्रभात। गुड मॉर्निंग मतलब होता है शुभ प्रभात, सुबह का नमस्कार, जो भी आप कहते हो अपनी भाषा में। तो कहता है कि उदय सुबह का नमस्कार। उदय कहता है गुड मॉर्निंग आदित्य, तो उदय भी आदित्य से क्या कहता है? आपको भी सुबह का नमस्कार। आदित्य कहता है उदय डू यू नो व्हाट इज़ अ जू। उदय डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू मिस हो, यू मिस तुम, नो मिस जानना, क्या तुम जानते हो? तो डू पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। व्हाट इज अ जू, व्हाट इज अ जू, क्या है? व्हाट मिस क्या, इज मिस है, अ मिस एक, जू मिस चिड़ियाघर। एक चिड़ियाघर क्या होता है? क्या तुम जानते हो चिड़ियाघर क्या है? उदय कहता है, यहाँ पर उदय लिखा हुआ है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है। A zoo is a place where animals and birds are kept. क्या बताता है उदय? A zoo is a place where animals and birds are केप्ट। अजू एक चिड़ियाघर इज अ प्लेस, एक स्थान है, प्लेस मतलब होता है स्थान, चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है, वेयर मीन्स जहाँ, एनिमल्स मतलब जानवर, एंड मीन्स और, बर्ड्स मीन्स चिड़ियाँ, जहाँ जानवर और चिड़ियाँ आर केप्ट रखे जाते हैं। केप्ट मतलब होता है रखना। तो क्या बताता है? चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवर और चिड़ियाँ रखी जाती हैं। क्या कहता है? चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल मतलब कि जानवर और चिड़ियाँ रखे जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर केप्ट इन केज आर पब्लिक वेविंग, मोस्ट ऑफ देम आर केप्ट इन केज फॉर पब्लिक वेविंग,
विविंग, क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिक, मोस्ट मतलब अधिक, ऑफ देम मीन्स उनमें से, उनमें से अधिकांश आर केप्ट, रखे जाते हैं, इन केज मतलब होता है पिंजड़े में, उनमें से अधिक जो हैं बहुत से पिंजड़े में रखे जाते हैं, फॉर पब्लिक वेविंग, फॉर मीन्स के लिए, पब्लिक मतलब कि जनता के, वेविंग मतलब होता है देखने के लिए, मतलब कि लोगों को देखने के लिए इनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, पिंजड़े में रखे जाते हैं। आदित्य कहता है, हैव यू एवर विजिटेड अ, हैव यू एवर विजिटेड अ जू? उदय, हैव यू एवर विजिटेड जू, विजिटेड अ जू? उदय कहता है, हैव यू एवर, क्या तुमने कभी विजिटेड, घूमा है या दौरा किया है, अ जू, एक चिड़ियाघर का? उदय, उदय से कहता है, आदित्य उदय से कहता है, क्या तुमने कभी चिड़ियाघर का दौरा किया है? उदय कहता है, यस आई विजिटेड द डेली जू विद माई पेरेंट्स लास्ट मंथ, यस आई विजिटेड, हाँ मैं घूमा हूँ, कहाँ पर? दिल्ली, मतलब कि दिल्ली का जू, मतलब चिड़ियाघर, विथ माय पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, लास्ट मंथ मतलब कि आखिरी महीने, आखिरी महीने में मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर को घूमा था। आदित्य कहता है, इज द डेली जू बिग, इज द डेली जू बिग, क्या दिल्ली का चिड़ियाघर बड़ा है? उदय कहता है, यस इट इज अ वेरी बिग जू, इट इज अ वेरी बिग जू, हाँ यह बहुत ही बड़ा चिड़ियाघर है, हाँ यह बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। आदित्य कहता है, इज देयर अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स एट द जू, इज देयर अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स एट द जू, कहता है क्या चिड़ियाघर में आने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि क्या वहाँ पर चिड़ियाघर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है? उदय कहता है, यस देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट रश फॉर विजिटर्स, यस हाँ देयर इज ऑलवेज, इसको पढ़ेंगे ऑलवेज, ग्रेट रश ऑफ विजिटर, हाँ यहाँ पर इस चिड़ियाघर में या यहाँ पर बहुत ग्रेट रश, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आप विजिटर्स मतलब घूमने वालों की, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है घूमने वालों की। फिर से आदित्य कहता है, इज़ द एनी एंट्री फी, आदित्य कहता है, इज़ द एनी एंट्री फी, इज़ देयर एनी एंट्री फी, क्या यहाँ पर कोई प्रवेश के लिए फीस भी या शुल्क लगता है, क्या यहाँ पर कोई एंट्री फी भी लगता है, मतलब कि प्रवेश शुल्क भी लगता है? उदय कहता है, यस यू हैव टू परचेज द एंट्री टिकट, यू हैव टू परचेज, आपको ख़रीदना पड़ेगा द एंट्री टिकट, प्रवेश का टिकट, इसको पढ़ेंगे एंट्री टिकट, मतलब कि हाँ, कहता है कि हाँ आपको यहाँ पर प्रवेश करने के लिए टिकट भी खरीदना पड़ेगा। फिर से आदित्य कहता है,
वाई आर एनिमल्स केप्ट इन केज, वाई आर एनिमल्स केप्ट इन केज, वाई आर एनिमल्स केप्ट, क्यों जानवरों को रखा जाता है इन केज, मतलब पिंजड़े में, कहता है कि जानवरों को पिंजड़े में क्यों रखा जाता है। उदय कहता है दे आर केप्ट इन केज सो दैट, दे आर केप्ट इन केज, वे पिंजड़े में रखे जाते हैं, सो दैट दे मे नी नॉट हार्म द विजिटर्स, सो इसलिए कि, सो मतलब होता है इसलिए कि, दैट मतलब कि, इसलिए कि दे मे नॉट हार्म, दे मे नॉट हार्म, वो कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुँचाना, वे कोई नुकसान ना पहुँचाएँ द विजिटर्स मतलब घूमने वालों को, विजिटर्स घूमने वालों पर वो कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए उन्हें पिंजड़े में रखा जाता है। फिर से आदित्य कहता है बट वाट इज़ द नीड टू केप्ट द एनिमल्स इन जू, बट वाट इज़ द नीड, नीड टू केप्ट द एनिमल्स जू, बट वाट इज़ द नीड, लेकिन आवश्यकता क्या है टू केप्ट रखने का द एनिमल्स जानवरों को इन जू चिड़ियाघर में, तो कहता है कि तब फिर इन जानवरों को चिड़ियाघर में रखने की जरूरत की जरूरत ही क्या है। उदय कहता है एनिमल्स केप्ट, एनिमल्स आर केप्ट इन जू, एनिमल्स आर केप्ट, जानवर रखे जाते हैं इन जू चिड़ियाघर में, जानवर चिड़ियाघर में रखे जाते हैं सो दैट, इसलिए कि वी मे ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, वी मे ऑब्जर्व देम क्लोजली, कहता है इसलिए चिड़ियाघर में रखे जाते हैं सो दैट, इसलिए कि वी मे ऑब्जर्व, हम उन्हें देख सकें, देम उनको क्लोजली मतलब होता है बहुत ही, सॉरी यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्व देम क्लोजली, क्योंकि हम उन्हें बहुत ही अच्छे से, क्लोजली मतलब ऑब्जर्व मतलब देख सकें, क्लोजली मतलब एकदम पास से, क्योंकि हम उनको एकदम से पास से देख सकें, किसी भी जानवर या चिड़िया को एकदम से पास से हम देख सकें, इसलिए उन्हें चिड़ियाघर में रखा जाता है। फिर आदित्य कहता है यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो, यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो, वी वुड नॉट बी एबल टू सी, वी वुड नॉट बी एबल टू सी, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, सो इसलिए मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, इफ़ देयर वर नो जूज, यदि उन्हें चिड़ियाघर में ना रखा जाए, अगर बहुत सारे जानवरों को हम नहीं देख पाएंगे यदि उन्हें चिड़ियाघर में नहीं रखा जाएगा, इसको इफ पढ़ेंगे देयर वर, इसको पढ़ेंगे देयर वर नो जूज, अगर चिड़ियाघर ना हो, अगर चिड़ियाघर में ना रखे जाएं, तो हम बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे जिन्हें हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। उदय कहता है डू दीज एनिमल लाइक टू बी इन द जू, डू दीज एनिमल्स लाइक टू बी इन द जू, डू दीज एनिमल्स, क्या ये सारे जानवर लाइक टू बी, पसंद करते हैं टू बी रहना या होना इन द जू चिड़ियाघर में, क्या ये सारे जानवर भी चिड़ियाघर में रहना पसंद करते हैं या इन्हें अच्छा लगता है चिड़ियाघर में रहना। आदित्य कहता है यस दे लाइक टू बी इन द जू बिकॉज दे आर केप्ट इन दियर नेचुरल सराउंडिंग्स, दे लाइक, कहता है हाँ वे पसंद करते हैं टू बी होना इन द जू चिड़ियाघर में बिकॉज, क्योंकि दे आर केप्ट इन, क्योंकि
दे आर केप्ट, वे रखे जाते हैं इन डियर अपने नेचुरल प्राकृतिक सराउंडिंग्स, मतलब होता है परिवेश, इसको पढ़ेंगे सराउंडिंग्स, क्योंकि वे अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, उनके लिए प्राकृतिक परिवेश वहाँ पर बनाया जाता है, इसलिए वो भी पसंद करते हैं चिड़ियाघर में रहना। उदय कहता है कैन यू नेम सम एनिमल्स एंड बर्ड्स विच वी मे फाइंड डियर, कैन यू नेम सम एनिमल्स, क्या तुम कुछ जानवरों के नाम बताओगे एंड बर्ड और चिड़ियों के, विच जो कि वी मे फाइंड हम पा सकते हैं, विच मे वी मे फाइंड डियर, जिन्हें हम यहाँ पाते हैं या फिर जो यहाँ पाए जाते हैं, क्या तुम ऐसे कुछ जानवर और चिड़ियों के नाम बताओगे जो यहाँ पाए जाते हैं। आदित्य कहता ऑफ कोर्स, हाँ शायद बिल्कुल, देयर आर डियर, यहाँ पर भालू हैं, टाइगर्स बाघ हैं, लायन शेर, लियोपार्ड तेंदुआ, मंकी बंदर, मंकीज बंदर्स, एलिफेंट हाथी, बियर भालू, सॉरी क्या लिखा है, पिजन्स डक ETC in the zoo, ducks. कहता है यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल बताएंगे, देयर आर डियर, यहाँ पर भालू सॉरी यहाँ पर हिरण, बाघ शेर हाथी बंदर्स मतलब बंदर, हाथी तेंदुआ, बियर कबूतर और बतख भी चिड़ियाघर में रहती हैं।